गोपाष्टमी की तीन कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली कथा के अनुसार जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के छठे वर्ष में कदम रखा तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वे गैया चराना चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित महाराज को मुहूर्त निकालने के लिए कह दिया। पंडित महाराज ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज में आकर कहा कि अभी इस समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त है ही नहीं। अगले बरस तक शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपाष्टमी का था जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने को दी। लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा कि अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तब ही मैं भी यह पहनूंगा। मैया ने ये देखकर भावुक हो गई और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैया को चराने के लिए वन में चले गए। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण के जीवन में गौ का बहुत अधिक महत्व था। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। इन्होंने गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। स्वयं भगवान ने गौ माता की सेवा की है। दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके बाद से उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा कि लगातार बारिश होती रही, जिससे बचाने के लिए कृष्ण जी ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाए रखा। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा था। तीसरी कथा के अनुसार गोपाष्टमी ने जुड़ी एक और बात यह है कि राधा जी भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थीं, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गई।